पर करे रे सीमा वाले कोई भाग्यशाली जीव हो जिसके पुण्य कहीं इकट्ठे एकत्र हुए हों। लिखा है गुरुवाणी में पुण्य पुंज, रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं पुण्य पुंज बिन मिल ही ना संता। अगर जखीरा ना हो इकट्ठा पुण्यों का तो ऐसे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। बड़ा भाई दुर्लभ संयोग है श्री गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमें सत्संग मिला है। सावधान होकर के हम सुरखनी हरियों का लाभ उठाएं। महाराज हम श्री अम्बाला दरबार गए थे श्री महाराज जी का ही हुक्म हुआ है। एक बार हम चंडीगढ़ टूर पे अपने कार्यालय के काम से चंडीगढ़ टूर पे गए थे और श्री महाराज के दर्शनार्थ चले गए हम श्री अम्बाला दरबार। ऊपरी मंजिल का काम लगा हुआ था, मिस्त्री लगे थे ऊपर। श्री महाराज जी ने प्रसाद दे करके फिर मुझे कहा कि आप ऊपर चले जाओ, एक ईंट लगा के आओ और आगे से हमारे जन्मदिन का दो अक्टूबर का भंडारा आप यही मनाया करेंगे। मेरे को वचन में बांध दिया है महाराज जी ने, मुझे जाना ही होता है 2 अक्टूबर को। श्री महाराज के वचन ही ऐसे, इसलिए हम गुरु महाराज के जहाँ से हमें श्री महाराज जी ने सजाया है वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है। आनंद हुआ, बहुत आनंद मिला। गूंजती है महाराज जी की आवाज़ें उस दरबार में क्योंकि हमें वहाँ से ही सजाया गया है। तो दर है जवानी मिला को तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे दर के अर्की वाली सनत से निवेदन रहेगा। प्रसाद महाराज जी अंदर विराजमान है, महाराज के पास जाओ पहले, वहाँ आशीर्वाद लेके फिर आओ, इधर आओ फिर मिल के आओ अंदर महाराज जी को, अंदर सारी संगत को वहीं ले जाओ अंदर, ये प्रसाद अंदर ही ले जाओ, ये सारी अपना प्रसाद अंदर ले जाओ, सारा प्रसाद अंदर मिल के आओ महाराज जी को, फिर बाद में अपन डाल में आओ। यूं तो दर है जमानी मिला घूं तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे दर के बराबर नहीं है, गुरु महाराज के दरबार की तरह हमने कोई दरबार नहीं देखा। अम्बाले वाली सरकार जैसा संत हमें नहीं मिला है आज तक। संत मिले, अपना अपना रुतबा है सब संतों का, परंतु अम्बाले वाली सरकार की तरह संत हमें आज तक मिला नहीं। एक बार 1974 की बात है, उस वक्त हम 11 साल के थे, हमारे ही घर में सत्संग हो रहा था। श्री महाराज जी विराजमान थे, रात तो हो गई। महाराज जी का स्वभाव था कि पूछ पूछ के प्रसाद देते थे, क्या करते हो, किस क्लास बच्चा आया, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से महाराज जी सबको प्रसाद देते थे।
वहाँ एक औरत जो राधा स्वामी सत्संग व्यास से उसको नामदान मिला हुआ था, उसकी 45 और 50 साल के बीच में उसकी उम्र थी, उसके बच्चे नहीं हुए थे अभी। तो वो महाराज, वो भी वहाँ थी, परंतु उसको नहीं पूछा महाराज ने, उसको प्रसाद दिया और आगे निकल गया, पीछे लाइन लगी थी। वह क्या कि वो औरत नहीं गई, अपने घर नहीं गई, रात को भी वहीं रुक गई हमारे ही घर में। रात 10 बजे के करीब वो रो रही है, वहाँ सुबक रही है, ऐसे बैठी है और रो रही है वो। महाराज जी ने पूछा, भाई बेटी जाओ अपने आप आराम करो, और ज़्यादा रोने लगी। उस वक्त उनके साथ संसारू राम जी महाराज जी की पर्सनल सेवा में थे। पूछा, संसारू राम पूछो इस बेटी को क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों रो रही है। जब उसको पूछा तो और रोई है, ज़्यादा रोई जाए, बोले कुछ ना। उनको पता था कि इसके बच्चे नहीं हैं, महाराज जी इसके ना बच्चे बच्चे नहीं है, शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, पूछो। जब पूछा तो हाँ भाई बच्चे की क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, बच्चे वगैरह चाहिए। उसने ऐसे सिर हिला दिया कि हाँ जी बच्चे नहीं होंगे, बच्चे चाहिए। महाराज जी ने कहा था लाओ थाली, प्रसाद की थाली ली उधर से और ऐसे प्रसाद भर के लाओ। उसने हाथ आगे किए ना चोरी कर और महाराज ने डाल दिया, जा। कितने दयाल रहे हैं हमारे सतगुरुदेव भगवान। और अगले साल उसके यहाँ औलाद हुई, एक बेटी ऐ चौड़े माथे वाली एक बेटी पैदा हुई महाराज। आज उस बेटी के दो लड़के हैं, वो एक ही बेटी हुई, पहले उसके नाक के पीछे कोई बच्चे नहीं थे। और क्या क्या उपकार महाराज जी के हम गनाएं, हमारे इलाके में तो बड़े भारी उपकार कितने हैं गुरु महाराज जी ने। हमें तो गंदी नाली से अपने चरणों में लगाया है महाराज जी ने। मेरे सतगुरु ने कर दिया जब कमाल, मेरे सतगुरु ने ना साउंड ठीक बन नहीं रहा है, पता नहीं बात क्या है। यहाँ जैसे एक स्पीकर लगना चाहिए, हमें लाभ हो, संगत को ठीक से टकरा रही है कहीं आवाज। मेरे सतगुरु ने कर दिया जब कमाल, वाले वाले ने कर दिया जब कमाल, प्यारे सतगुरु ने क्या कमाल किया है। नाम दान की दौलत से, नाम दान की दौलत से मुझे कर दिया माला माल, कर दिया जब कमाल, प्यारे सतगुरु ने वाले ने कर दिया जब कमाल, प्यारे सतगुरु ने। किसी काम के थे नहीं महाराज जी ने, ऐसी व्यवस्था की थी महाराज जी। उस वक्त पैदल चल के हमारे पहाड़ों में, हम रहने वाले हैं पहाड़िये बोलते हैं हमें महाराज, वहाँ तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है चलने में। श्री महाराज जी ने हमें पैदल चल के हमें बढ़ाया है, अपने चरणों में लगाया, हमारे ही घर में आके, हमें नहीं जाना पड़ा कहीं, हमारे घर आए महाराज जी और वहाँ जाके हमें पकड़ा है। ऐसे दयाल संत कहाँ मिलेंगे महाराज जी। स्वामी ब्रह्मानंद जी एक बार नंगली दरबार के जो आगरा के संचालक हैं, वो जगह एक बार उधर आगे बहुत क्या बोले बारल में गए थे, वो कहने लगे महाराज जी कि हम तो कार में ही थक रहे हैं, और उन कैसे महापुरुष होंगे वो जिन्होंने पैदल चल के इन इलाकों को संवारा है। बहुत भीड़ जगह हैं वो महाराज, श्री महाराज जी कोई परवाह नहीं करते थे महाराज, और हर एक घर में जा कर के और उनको आशीर्वाद देने, पता नहीं क्या क्या भूत प्रेत, कईयों को भूत प्रेत लगे होते। हमारे सेक्रेटरी साहब महात्मा, उनकी एक घरवाली उस थी, उसके बच्चे नहीं हुए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उसके भी बच्चे नहीं हो रहे थे। और करना क्या था कि उसका सिस्टम था कि उस पंचायत के सेक्रेटरी थे, घर पहुँचने करने वो लग जानी खेलना, उनको खेल आ जानी महाराज दोनों को, बेचारे आप पूरी टीम बनाने, पता नहीं क्या क्या चेले, क्या क्या पता नहीं कितने छेलू बेडू क्या क्या करते हैं, पता नहीं बड़ा भाई किया इलाज, वो ठीक नहीं हो रहे थे। कहानी तो बड़ी लंबी है, परंतु आदरणीय मास्टर जी के महान संयोग बना और उन्होंने माली जी एक उनके पास रहते थे, उनके थ्रू थ्रू वहाँ उनको मैसेज दिया कि भाई आप आओगे तो महाराज जी सारा ठीक कर देंगे। चंदौली में महाराज जी विराजमान थे और वो भी आ गए वहाँ,
और वहाँ से अपने वहाँ घर ले गए उन महाराज जी को, और वहाँ जाके उन्होंने कर दिया खेलना शुरू। जब महाराज ने एक ही दबका मारा, खबरदार, और वो बंद हो गए खेलना। एक एक दफ़ी मारी, उस दिन से बिल्कुल निरोग हो गए, और महाराज उनके बच्चों की खान खोल दी, बच्चे पैदा होने लगे। पहला बच्चा प्रेमपाल, दूसरा गुरुप्रसाद, तीसरा किशोरी लाल, चौथा देवेंद्र कुमार, कौशल्या देवी और सुमित्रा देवी, छः बच्चे हुए उनके मार, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। और मारे फिर तो वहाँ भूचाल आ गया सत्संग का, बाहर आ गई सत्संगी, बड़ी भारी सत्संगी, मैंने बड़ी भारी वहाँ। एक बार एक बुलंदा खान जी मुसलमान थे, और वो भी आ गए महाराज जी के पास, बातचीत करी कि महाराज मुझे नामदान चाहिए, 3 बजे आ जाना कहते। महाराज जी ने कहा 3 बजे आओ, उसी आपको नामदान मिलेगा 3 बजे। वो 3 बजे, वो 2 बजे ही पहुँच गए आके, टाइम से पहुँच गए थे। श्री महाराज जी अंदर विराजमान थे, कमरे में भजन कर रहे थे। 3 बजे महाराज जी, अभी 3 बजे को टाइम था, 2:30 बजे की बात है, वो ऐसे मेड सी बनी थी, उसके ऊपर हम सब बैठे हुए थे लाइन पे, वो भी बैठे थे बुलंदा जी, बातचीत हो रही, सत्संग की बातें हो रही थी कि आप भाग्यशाली हैं, आप सत्संग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, नामदान तक बड़ा कठिन काम है, मुसलमान का नाम तक पहुँचना कठिन काम है। तो ऐसी कुछ बात हुआ क्या कि वो करते थे, दरअसल वो जंत्र जुंत्र लिखते थे, एक छोटी सी थैली बनाई थी उन्होंने, ऊपर लगा के रखते थे यहाँ, और वहाँ यहाँ ऊपर होती थी वो, बिल्कुल उसको नीचे नहीं रखते थे वो, उसमें भोज पत्र वगैरह उसमें जंत्र जुंत्र देते थे लोगों की सेवा के लिए, कुछ करते थे जंत्र मंत्र, तो वो रखी थी उन्होंने ऐसे यहाँ। पता नहीं क्या, एक लड़का पीछे से 5-7 कोई 10-12 साल का था बच्चा, वो वहाँ से हमारे पीछे पीछे से निकल रहा था उस मेड़ से, उसके अचानक उल्टी आ गई, और इतनी जोर की उल्टी हुई वो बुलंदा खान के ऊपर सारी उल्टी हो कर गया वो सारा ही, और यहाँ तक वो जो वो भी था ना वो थैलू उसमें भी घुस गई थोड़ी सी उल्टी, और सारे कपड़े गंदे हो गए, और वो थे भी खड़े लंबे चौड़े। अब बेचारे सेक्रेटरी साहब, और हमारे पास तो एक एक वस्त्र, अब उनको ना किसी के वस्त्र आए, वो खड़े लंबे चौड़े, इधर 3 बजे का टाइम हो रहा है, महाराज ने समय दिया है, वो फटाफट गए, और वो तो उनको फेंकना ही पड़ गया ना वो थैलू, क्योंकि उसमें उल्टी ही पड़ गई थी, खंडित हो गया कहते, उसने कहा ये तो खत्म हो गया है, खंडित हो गया। और कपड़े कुपड़े धो के सुखा के ऐसे करके फिर थोड़ा थोड़ा करके, और 3 बजे को फिर पहुँच गए वहीं, साथ ही बॉडी थी। और हमारे 3 बजे महाराज जी पूछते हैं, बुलाओ बुलंदा खान को, और आ गए आप, खाली हो गए आ गए ना, फ्री हो गए ना, खाली हो गए आ रहे हो ना, वो जो थी गांठ बनी हुई उसको लेकर। कितने दयालु हैं सतगुरु महाराज जी। महाराज जी ने एक भजन मुझे लिखाया था, जींदे नहीं तू चज सीख लै, जिंदु कोल पिया दे जाना, जींदे नहीं तू चज सीख लै, ढंग तरीका अपने घर जाने का ढंग तरीक सीख लै, जींदे त्रिंजना दे विच ढाले पर चरखा, रल मिल सीखियाँ सेज बिछा लै, जे तू दाज दहेज ले जाना, वहाँ कोई पूंजी ले जानी है अगर साथ में, जो करंसी वहाँ लगती है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो एस विदाउट कैश, वो पूंजी चाहिए हमें जो वहाँ लगती है भजन बंदगी वाली, ये नहीं लगनी है थी, वो यही रह जाएगा सारा महाराज, वो उस पूंजी का इंतजाम करना है, वो दिया है हमें सलीका गुरु महाराज जी ने, वो टंग दिया है। अभी महात्मा जी कह रहे थे हमें रोज़ उसका भजन करना चाहिए, महाराज जी का हमें निकालना चाहिए वो समय, गुरु पास बस मारो थी महाराज जी, तो हमें समय जरूर निकालना है। बेले अमृत दे जागन राम प्यारे, सुते रहते ने जे कर्मा दे मारे, अमृत बेला बड़ा सुहाना, चुपचाप जद होवे जमाना, मिलदे प्रेम हो लारे बेले अमृत दे, कुछ बेले अमृत जागो उठो सवेरे और देखो जब रहमते। आदमी हमारे महात्मा जी है स्वामी महंतानंद जी महाराज, वो कहते जीते बेले अमृत बरसे, जब अमृत की बरखा होती है गुरु महाराज अमृत बरसाते हैं, जित बेले अमृत बरसे जिया होवे दाती, तित बेले उठ बैठ त्री पैर पिछली राती, 3 पैर जाने के बाद चौथा पैर जब लगता है उठ उस पर बैठ जाओ भजन में, महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाओ। और जब महाराज जी आते हैं ना, सतगुरु आवन ये तेरा पावन ये धर नी में सत के
हर कवेला होगी वो जब श्री महाराज हमारे यहाँ आएंगे। नंगली वाली सरकार नौ गली के ऊपर, महाराज जी दसवीं गली में रहते हैं, ये नौ गली का पिंजरा है, श्री महाराज जी यहाँ विराजमान रहते हैं ऊपर दसवीं गली में, आप विराजमान हैं महाराज जी। इसलिए यूं तो दर है जमाने में लाखों, तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे दर के बराबर नहीं है। सारी दुनिया के लोग यहाँ क्यों नहीं चले आते हैं जब इतनी बड़ी इतना बड़ा दरबार है। महाराज जी एक फकीर ना एक चौराहे पर बाजार में रो रहे हैं जोर जोर से, कोई पूछ नहीं रहा उनको, कोई भक्त जी वहाँ पहुँच गए, अरे बाबा को पूछे तो सही क्या प्रॉब्लम है, जोर जोर से रोई जा रहा है, अब बाबा जी तुसी क्यों रो रहे हो, क्या आपको किसी ने मारा है या कोई रोटी बाटी का मसला है। फकीर जी कह रहे हैं ना भाई ना तो मुझे किसी ने मारा है ना रोटी बाटी का मसला, फिर रोने का सबब क्या है कि भी मेरे को भेजा गया है बंदे और रब के बीच में सुलह कराने के लिए, रिश्ता टूट गया बंदे और रब के बीच का, वो सुलह कराने के लिए भेजा है मुझे कि तू सुलह करा दे बंदे और रब के बीच में, अगर सुलह करा देता ना एक बंदे के साथ सारी सारे करोड़ों जन्मा दे सारे कर्म साफ कर देंगे और रब से बंदे से रब कर देंगे, नर से नारायण बना दिया जाएगा उसको, पर जो सुलह अगर कोई सुलह करने के लिए राजी हो जाता है। मैं बहुत बोली जा रहा है, मेरे को सारे बंदे भला बुरा बोल रहे हैं, मान नहीं रहा बंदा, मान नहीं रहा है बंदा, रोना इस बात का है कि बंद इतनी सारी सुविधा मिलने के बावजूद कि कर्मा सारे ही करोड़ों जन्मों से जीवात्मा लदी पड़ी है, ऐसे इतने भारी कर्म हैं हमारे महाराज, कोई ना जम से बचिया नाम बिना धरिखाए, जो जन बिन ही नाम के ताको देख डराए। तुलसीदास ही करे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस कर ही तस फल चाखा, नियम है देना ही पड़ेगा, कर्म जो करेगा भुगतान देना पड़ेगा, कर्म करने से तो होते होते विचार भी आएगा वो भी कर्म बन जाएगा, देखने से कर्म सुनने से कर्म कहाँ बचेगा जी, बचने को कोई उम्मीद नहीं है, काल ने ऐसा इंतजाम किया कि बांध के रखा कर्म में,
और उसको उसका वहाँ वो न्यायकारी न्याय की कुर्सी बैठा है उसके हिसाब से जिस वेले तेरा तोल तोलिया जाएगा उस वेले नहीं बोल बोलिया जाएगा। शर्म सारी बहुत भारी होएगी जब तेरा खाता खोलिया जाएगा। बड़ा मुश्किल होगी उसमें, कैसे कैसे छूटेगा जीव कर्मों से। संत समझा रहे भक्ति करनी तो ऐसी हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से प्यारे यमराज का खाता ही रद्द कर दे। हमारे यहाँ यमराज के दूत ना आए, यमराज ना आए, गुरु महाराज जी आए गड्डी लेके। अरे हो रही है ये सुविधा, आज हमें मिल रही है, हमारे महाराज आ रहे हैं अपने प्यारों के पास और बोल बोल के ले जा रहे हैं पूछ पूछ के। हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। विधि चंद जी उधर मड़ी धर्मपुर में श्री नंगली निवासी भगवान जी हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए, कह लगे बेटा पानी गिलास लेके आ रहे, साइड में हो जाओ, महाराज आ गए, नंगली निवासी भगवान आ गए, वो हेलीकॉप्टर पर आ रहे हैं महाराज, और श्वेत वस्त्र धारण करें हमारे, बड़ा सुंदर स्वरूप है, ऐसे ऊपर की तरफ नजर मार रहे हैं और कह रहे हैं साइड में हो जाओ, और चादर गिरा दी मेरे को महाराज जी ने बस में। अच्छा ठीक है बेटा, मैं गया और निकल गए, सीढ़ी छूट गया। अरे बोल के जा रहे हैं जी, दूर शेर सिंह जी मऊ में उधर पिंगला में, शेर सिंह जी उनके क्या कि वो कई कुछ दिनों से बीमार थे, बुजुर्ग थे पापा, और कहने लगे कि सारे उसकी दोतियाँ पोतियाँ सारे बच्चे लोग आए हुए मिलने के लिए क्योंकि वो बीमार चल रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि उनको बुला लो सबको, सारे आ गए। और फिर जब समा आया तो कहने लगे आज हमने लोहखर, हमने वहाँ लोहखर में सत्संग था उस दिन, क्या मैं गुरु महाराज जी ने मेरे को लोहखर बुला लिया सत्संग के लिए, वो घोड़ा भेज दिया है बाहर खड़ा हो गया है घोड़ा, और मेरे को टोपी भी भेजी है साथ में महाराज जी ने, और मेरे को बुलाया है वहाँ लोहखर में। अच्छा ठीक है भाई मैं गया, और श्री छूट गया। बोलो सतगुरु महाराज जी, अरे कितनी सुविधा मिल रही है। कबीर जी ने कहा जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसा करके जाओ कि तुम हंसो, जब अपना कोई होगा तभी हंसी आएगी। ये महाराज बड़े बड़े धंधा वाले मिलना करें, ड्रामा साई तार गोला ड्रामा साई जिसका नाक हुआ ऐसे ऐसे जमदूत सामने होंगे तो बंदे तो हमारे थर थर कामेगा, टट्टी पेशाब हो जाता है बंदे थे जब वो यमराज के। तो इस काल की इस मार से बचने के लिए हमें नाम के साथ जुड़ना है, नाम का सिमरन करना है, भजन कर ले रहे भैया काम आएगा, वही पूंजी है हमारी वास्तविक। आएंगे नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी, होकर के कहते तुझे जाना पड़ेगा। वो अमानत जो वहाँ लगती है करंसी, वो पैदा करने वाली भजन बंदगी वाली वो करनी पड़ेगी, इसलिए भजन कर ले रहे भैया काम आएगा। ये तब जाकर के गुरु महाराज जी ने जीवों को ये सुविधाएं प्रदान करी है, तभी इस दरबार को ऐसे नहीं कहते कि ऐसा इतना बड़ा ऊंचा सूचा दरबार है, यहाँ से जीव का कांटा ही बदल दिया जाता है। काल की या कोई पेशेंट चलती आते हैं काल के दूत पर तो घर में नहीं मिलते, वो पहले ही महाराज की गड्डी से बैठ कर चले गए होते हैं, वो बैरंग जाते हैं। ऐसी सुविधा करनी है, मुक्ति बाद में नहीं होती, पहले नाम मिल गया, अभी कन्फर्म नहीं है सीट, रिजर्वेशन तो हो गई है पर सीट को कन्फर्म करना पड़ेगा भजन बंदगी के द्वारा। कन्फर्म करो सीट को भाई, कन्फर्म नहीं है अभी सीट, मिल नाम तो मिल गया है परंतु अभी कन्फर्म नहीं है भाई पूरी, कन्फर्म करो उसको भजन बंदगी के द्वारा, हमें समझ आ जाए कि नहीं बस आप महाराज जी जहाँ देखें नजर आए तो ही तो सारे जमाने ऐसी अवस्था को हमने। यूं तो दर हैं जमाने ने लाखों, तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे इतना ऊंचा दरबार है फिर सब लोग क्यों नहीं चले आते। फिर भी कुछ लोग कहते हैं आकर, कोई आता है आता नहीं है, कोई कहना पड़ता है मजबूर होकर, कहना पड़ता है उनका ऐसा मुकद्दर नहीं है, उनका ऐसा नहीं है।
महफल है, गुरु महाराज ने सबको मस्ताना बनाया है। हरि नाम के भर भर के यहाँ सबको पकड़ तराए जाते वहाँ अब के नहीं, हम तो करोड़ों जन्मों से पापों से भरे पड़े कदम कर्मों से भैया सारे साफ कर देते हमारे, और पकड़ के अपने घर ले जाते हैं वहाँ पकड़ के। अभी भजन सुन रहे थे, गुरु ने साड़ी वहाँ फड़ ली, मन मोर बांगू पया नचे, गुरु ने साड़ी वहाँ फड़ ली, असी कच्चे ते हो गए पक्के, गुरु ने साड़ी वहाँ फड़ रही, गुरु ने पकड़ी वहाँ महाराज जी, जे तुसी ना फड़ दे वहाँ असर उड़ जाना सी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, मैं तो 2 मिनट मुझे टाइम नहीं दीता था तुसी महाराज, फिर भी विनती है, हमें आगे बहुत दूर जाना है, आगे सत्संग है। ये तो बीच में बोल गए महाराज जी के भाई आप बोल लो थोड़ा सा। धन्यवाद आप सब जी का, आप हम सब आप हम आपके भाई बहन हैं, सके हैं, और हम मिलते जुलते रहेंगे। मैं ये कहूँगा कि भजन बंदगी रोज़ करो, डेली करो, भजन करना है, भजन लगे ही रहना, लगे रहो। ये ना हमारे एक पंजाब से और एक पहाड़ी, पहले पैदल जाते थे हरिद्वार के लिए, उधर वो क्या बोलते वहाँ सहारनपुर सराय में इकट्ठे हो गए दोनों, एक पहाड़ से थे और एक पंजाब से, दोनों बाबे बुजुर्ग थे, हरिद्वार के लिए गए थे जी, और वहाँ चोर चके बड़े होते थे उस वक्त, वो खड़ चुप बैठे थे आपस में बातें चीते कर रहे, पूछने लगे पहाड़िए ने पूछ लिया पंजाब वाले बाबा को कि तुहाड़े उत्थे की हुंदे आ फसलां की हुंदी आ, उन्होंने बोला कि साढ़े तो सारा कुछ हो जाता जी, कणक भी हुंदी है, धान चाल भी सारा, दाला दूला भी साढ़े हो जाते, क्योंकि साढ़े उत्थे पानी पुणी की अच्छी व्यवस्था है। अच्छा जी, और तुहाडे, उन्होंने पूछ लिया पंजाब वालों ने पहाड़िए को, और तुहाडे की हुंदा है, वो तो हमारे भी सब कुछ जानता है, पर लगे रहो, फिर सांस ले लिया, फिर लगे रहो, फिर सांस ले लिया, फिर कहने लगे रहो। पंजाब वाले बाबे ने कहा अरे बस भी करो ना, जे बस तक कख नहीं फिर नहीं हुंदा साढ़े इत्थे, हमारे यहाँ तो लागे ही रहने दे तब कुछ मिल जाता है, लागे रहो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इसे लागे ही रहो, जब बस तो फिर कख नहीं मिलेगा, इधर लागे रहो। जिसने महाराज जी याद हैं दुनिया में आबाद हैं, जो भूल जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, कार पकड़ के ले जाएगा, अंत मत बिगाड़ता है वो महाराज, ये ध्यान रखें, अंत मत को नहीं बिगाड़ना है। इसलिए आज तैयारी करनी पड़ेगी, भक्ति करनी तो ऐसी हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से प्यारे यमराज का खाता ही रद्द कर दे, महाराज जी याद आ जाए हम उस वक्त भी ऐसी व्यवस्था, तब जाके हमें सत्संग में बराबर रोज़ सत्संग में आया करो, जहाँ कहीं मिलता है, जहाँ कहीं मिले संतों का सत्संग, जहाँ भी मिलता है आप जाइए सत्संग में और ले लो। साधु हैं आप, साधु ऐसा चाहिए जैसे हो सकता है कुछ कहीं कहीं जगह हमारी काम की बात ना हो, छोड़ दीजिए जो काम की ले लो, ऐसा थोड़े होगा कि सारी बातें काम की नहीं हो, कोई ना कुछ होगा आप में वो क्षमता है, महाराज जी ने ऐसा कच्चे से पक्के बना दिया है, महाराज जी ने हमें समझ आ गई है, और अब कौन आसान ठगे, अब ठगने वाला कोई नहीं है महाराज जी हमें। इसलिए यूं तो दर है जमाने मिला को, तेरे दर के बराबर नहीं है, देखा यहाँ झुकते फरिश्तों को देखा।
कोई अपने दर पर किसी को बुलाना, अपने ये तो राजी है तेरी रजा से है, ये तो कोई ऐसा बसर तो नहीं है, कोई ऐसा बसर तो नहीं है, तेरे दर का गदागर नहीं है, तेरे दर का गदागर नहीं है। श्री महाराज जी के साथ इकट्ठे थे, हमारे महाराज जी मत्स्यवाल वाले ये भी साथ में थे, बहुत देर पहले की बात है। श्री महाराज जी अम्बाले वाले हम साथ में थे, एक हफ्ते के लिए हमने महाराज जी से कहा था हम महाराज जी सेवा में हो रहेंगे। उधर मझेड़ा के पास रजोट जाना था, वहाँ दो वो डाले वाली गाड़ी थी, श्री महाराज जी आगे गाड़ी में बैठे, डाले वाली गाड़ी हम पीछे, महात्मा लोग कलेर वाले महात्मा भी थे, महाराज जी भी थे, हम साथ में थे। दो बच्चे और बैठ गए वहाँ, उनको बैठने की जगह नहीं थी, एक्चुअली खड़े खड़े थे वो, हम बैठ गए उसमें थी, फट्टे लगे हुए थे। अरे महाराज जी यहाँ से जावली हैं महात्मा जी, बात बात में ही मखौल मखौल में ही काम कर जाते हैं, इन्होंने ऐसे वो खड़े थे और अरे तू इधर आ जा, ऐसा प्रेम देते हैं जीवों पर कि आप बांध देते हैं, पक्का रस्सा डाल देते हैं उनको कि तू भगवान दिखना है कि हाँ जी आ जाओ। वो अपनी गोदी से सवाया दे लम्मा पाके और चाबी लाती और सुरती चढ़ गई मुंडे दी, दूजा भी चक्या उसके ऊपर ही कर दिया उसको भी अपनी गोद में, उसको तूने देखना भगवान ला चढ़ जा आ जा, वो भी लटा दिया अपनी गोद में ऐ चाबी लगा। इस वेले असी गुरु महाराज की गड्डी बच्चे हैं, ये सुविधा ऐसे नहीं हो सकती भाई, इन्होंने बोला इस वक्त गुरु महाराज जी आगे बैठे हैं, इस वक्त जिसको जैसा ख्याल बन जाएगा वैसा ही हो जाएगा, एक मिनट में सुरतियाँ चढ़ा दी बंदे दी बच्चे दी उम्र एक मिनट में। तो ऐसे महाराज जी ऐसे हमें इनका सानिध्य मिला है, हम बड़े भारी भाग्यशाली हैं कि हमें इनका सानिध्य मिला है, हमने इनके सानिध्य में रह करके जहाँ भजन बंदगी की जहाँ बात आती है इनके पास बैठ के बात करो, जहाँ कहीं समझ नहीं आ रही है उसको पूछो, हमारा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, बाहर तो गड़बड़ है आग लगी है महाराज जी, अंदर जाओगे सुखी हो जाओगे, अंदर जाओगे महाराज विराजमान है महाराज जी, सतगुरु तेरे पास बसता टोंडन किथे जावना, गगन मंडल भी चमके बिजली कट भी लसका मार रही, अखियाँ पीछे सतगुरु बैठे तो जरा भी ध्यान जमाया ना, की होया जे जन्म लिया था कदर जन्म का पाया ना, बोल जयकारा बोल। धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद, जय गुरु।